मैं आपको बोलता हूँ, ये हिंदुस्तान में एक ऐसा साल बताओ जहाँ चुनाव नहीं होते हैं। तो कब कब अगर ऐसी बात है, हर चुनाव से पहले अगर कोई मूवी अगर कोई डिस्क्राइब करेगा और जैसे उसकी मूवी बनती है और वो रिलीज करना चाहे और उस वक्त चुनाव हो, तो क्या आप ये इल्जाम लगा दोगे कि ये भाजपा ने फंड किया हुआ है? तो बोल रहे हैं हमारी माँ काली को सिगरेट पीते LBCT का झंडा देकर वो दिखा सकते हैं, उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, अगर उनको रोका जाता है तो कहते हैं तानाशाही गवर्नमेंट। अब यहाँ क्यों दिक्कत आ रही है, वो भी तो स्टोरी थी, केरला स्टोरी पे इनका दमकर निकल गया। सबसे बड़ा हाथ में तब हुआ था जब एक विधानसभा में एक CM ने कश्मीर जैसी स्टोरी के ऊपर, जो 100% रियलिटी है, अभी 5% उसमें आपने उसका कश्मीरियों का दर्द दिखाया, तो आपको इतनी चुभन हो गई और वहाँ हंसी हंसा के ये प्रोपोगंडा मूवी इस तरह से बता दिया, असलियत थी। आप कब तक आंखें मुंदे रहोगे? जो भी टेररिस्ट है उलास में क्या 72 हूरों का ही लालच है? तो अगर है, मैं आपको कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के मुस्लिम की तो बात ही नहीं हुई नी यहाँ पे, वहाँ टेररिस्टों की बात हो रही है। केरला स्टोरी में भी वही हुई, इन्होंने क्या ले लिया अपने ऊपर? क्या क्या सभी मुस्लिम एक जैसे हैं? इनके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 72 हूरों की बात कर रहे हैं तो सभी मुस्लिम उसके फॉलो कर रहे हैं, वही जिहाद फॉलो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? PRA और एजेंडा चलाने की बात उठ रही है कि प्रोपेगेंडा है और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। आप सच्चाई है, आप किसी मुस्लिम को मेरे साथ खड़े करो, उसको बोलो कि भाई क्या है ऊपर, जन्नत है, जन्नत में क्या है, भूरे हैं, 72 हूरे हैं, सब कुछ है, वही 72 हूरों का लालच देते कर अफगानिस्तान में वहाँ आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ पे पत्थरबाज मानव घाती बम यार, इससे बड़ा ऊपर आपने क्या करना है? मानव घाती बम जो है वो किसका लालच है उनको? उनको अपने घर पे जो हूर पड़ी है ना उसकी फिक्र नहीं है, उनको जो ऊपर 135-160 फुट की जो मिलेगी ना, 130 फुट की, उसकी फिक्र है उसको कि वो लेंगे। और जो उनके मुल्ला मौलवी जो है ना, वो इतने उसको डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ से बॉडी कपूर की गले तक की पता नहीं कौन कौन सी, यहाँ से पारदर्शी कपड़े होंगे, फलाना होगा, और आप जब जाओगे तो आप में पता नहीं कितने मर्दों की ताकत होगी, इस तरह से डिस्क्राइब कर इन्होंने। मैं आज एक देखो, एज ए हिंदू जब हमारे समाज में है ना, इन्होंने अपने अपना बेड़ा गर्क किया ही किया, साथ में पैरेलली क्या किया इस समाज में, उनको भी जो है हाथ पहुंचाया है, उनकी जो सोच है मानसिकता छोड़ दी। कई ऐसी चीज़ें थी जब हम यूनाइटेड अगर होकर देखें ना, जो मेरे लिए हर अपने धर्म में, मतलब हम जिस चीज़ की सोच भी नहीं सकती, एक बहन भाई का जो रिलेशन है हम कभी सोच, इनको बोलते हैं चाचे की बेटी, उसके साथ ब्याह जो है वो हलाल है और हराम है, कुछ इस तरह की बातें जब सुनाई जाती है, वो ये भूल जाते हैं कि उसका दूसरे समाज के ऊपर कितना बढ़ता है। इसमें गवर्नमेंट की भी रही, पिछली जितनी गवर्नमेंट है, कभी इस पर सुधार करने की कोशिश नहीं। आप कहते हैं इसको प्रोपोगंडा मूवी, ये भाजपा फंडेड है, प्रायोजित है या कुछ ऐसा, और ये चुनाव से पहले ही क्यों आई, इसी तरह से क्वेश्चन आपने किया। मैं आपको बोलता हूँ, ये हिंदुस्तान में एक ऐसा साल बताओ जहाँ चुनाव नहीं होते हैं। तो कब अगर ऐसी बात है, हर चुनाव से पहले अगर कोई मूवी अगर कोई डिस्क्राइब करेगा और जैसे उसकी मूवी बनती है और वो रिलीज करना चाहे और उस वक्त चुनाव हो, तो क्या आप ये इल्जाम लगा दोगे कि ये भाजपा ने फंड किया हुआ है? तो बोल रहे हैं विपक्ष के लोग, उनका कहना यही है, क्योंकि उसकी विपक्ष कौन है? ये विपक्ष नहीं है, ये विपक्ष जिसको खुश करना चाहता है ना, ये उनके दबाव में ये बोल रहा है कि ये सच्चाई आएगी, इसको जितना हमने दबाया है एक तरह से। हम हिंदुस्तान की बात छोड़िए, यहाँ आपको लगता है कि भाजपा RSS इसमें अगर कोई राज कर रहा है, यही सोच है ना इनकी, अगर इसमें कर रहा है, आज ब्रिटेन में क्या हो रहा है, आज स्पेन में, फ्रांस में, वहाँ क्या हो रहा है, वो लंदन जैसे वहाँ पे ग्रूमिंग गैंग, हम जिसको लव जिहाद कर रहे हैं, वहाँ ग्रूमिंग गैंग के नाम से उनको किया जा रहा है, लिस्ट निकाल ली जा रही है, वहाँ बच्चों को पार्क में, इटली में पार्क में, शायद फ्रांस का पता नहीं कहाँ का वो ना, बच्चों में 8-9 बच्चों को चाकू से गोंद दिया उनको, तो उसको किसका लालच था? यही 72 हूरों का लालच मुल्ले मौलवी देते हैं। अरे यहाँ रहो, ये जो दुनिया है खूबसूरत दुनिया है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। मेरा एक सवाल है कि जैसे ही मुस्लिम के ऊपर मूवी बनती है तो बोलने लगते हैं कि हमारा इस्लाम खतरे में है और हम पे अटैक किया जा रहा है, और उससे पहले हिंदुओं के ऊपर कई मूवी बन चुकी है, तब सवाल खड़ा नहीं होता, लोकतंत्र खतरे में नहीं आता? देखिए यहाँ दोहरा चरित्र दिखता है, वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है,
मगर ये सेक्सी दुर्गा बना सकते हैं, ठीक है, और हमारी माँ काली को सिगरेट पीते LBCT का झंडा देकर वो दिखा सकते हैं, उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, अगर उनको रोका जाता है तो कहते हैं तानाशाही गवर्नमेंट। अब यहाँ क्यों दिक्कत आ रही है, वो भी तो स्टोरी थी, केरला स्टोरी पे इनका दमकर निकल गया, इनके पिछवाड़े से धुआं निकल गया, उससे जब अभी तो स्टोरी थी ना उसको झूठा पेश करने की सबसे बड़ा हाथ में तब हुआ था जब एक विधानसभा में एक CM ने कश्मीर जैसी स्टोरी के ऊपर जो 100% रियलिटी है, अभी 5% उसमें आपने उसका कश्मीरियों का दर्द दिखाया तो आपको इतनी चुभन हो गई और वहाँ हंसी हंसाके ये प्रोपोगंडा मूवी इस तरह से बता दिया, असलियत थी। आप कब तक आंखें मूंदे रहोगे? अब आपको अपने अंदर बदलाव करने की, जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम है ना वो इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे इस बदलाव करना है। हिंदू, अगर हमारे में क्रूरतियाँ थी, हिंदू धर्म में क्रूरतियाँ थी, किसी धर्म में क्रूरतियाँ, उन्होंने उसको चाहे वो कानून के तहत हुआ हो, चाहे वो डंडे की नोक पे हुआ हो, उसमें बदलाव किया, मगर सिर्फ और सिर्फ एक धर्म है अभी भी उसको स्वीकारने में अभी तक तैयार नहीं हुआ है, इवन उसको काउंटर कर रहा है, उसमें किस तरह आपने अभी ताना साहब बताते हैं मोदी सरकार को कि इस तरह की मूवी हो गई और किसी की सुनने वाली सरकार नहीं, ये आरोप लग रहा है। देखिए इसमें मैं सीधे बोलूँ, ये पिक्चर का मैटर है, इसमें मोदी जी का तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें एक मूवी बनी है, आप उसको देखिए, कर रहे थे सर केरला स्टोरी का प्रचार किए, जिनका मन है वो देखेंगे। जो डायलॉग पठान के ऊपर बोला जाता था, डॉन ये जो पठान अभी मूवी आई थी इसके ऊपर बोलते थे, भाई आपने नहीं देखनी मत देखो, जो आपको कौन फोर्स कर रहा है, जो देखने जाएगा भाई, यहाँ वो भगवा कलर की कुल्फी तक चाट चाट कर बोल रहे थे, तो हम बोल रहे हैं हम देखेंगे, आप मत देखिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी कहती है, आपको जबरदस्ती घसीट कर मोदी सरकार को तो दिखा नहीं रही किसी को, ठीक है ना, तो अगर अच्छी कॉन्सेप्ट होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। इन इन मुद्दों के ऊपर मूवी, देखो सिनेमा क्या है, सिनेमा समाज का आईना होना चाहिए और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जो है एग्जिस्ट कर रहा है नहीं है। आप मुझे बताओ जो भी टेररिस्ट है मुलास में क्या 72 होरों का ही लालच है? तो अगर है, मैं आपको कह रहा हूँ हिंदुस्तान के मुस्लिम की तो बात ही नहीं हुई नहीं, यहाँ पे वहाँ टेररिस्टों की बात हो रही है, केरला स्टोरी में भी वही हुई, इन्होंने क्या ले लिया अपने ऊपर, क्या सभी मुस्लिम एक जैसे हैं? इनके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 72 होरों की बात कर रहे हैं तो सभी मुस्लिम उसके फॉलो कर रहे हैं, वही जिहाद फॉलो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छे मुस्लिम भी हैं, सब कुछ है, प्रोग्रेसिव मुस्लिम भी हैं जो इनको मिथ मानते हैं या कुछ जो भी है, मगर अगर आपका मानना है कि 100% हैं तो फिर हमें इसको बेनकाब करना पड़ेगा, अगर आपको इतना डर है तो भी बेनकाब करना पड़ेगा, फिर डर किस चीज़ का, फिर हमें आगे आना पड़ेगा अगर ऐसी बात है। आज इनका डर जो है ना, ये आम मुस्लिम का नहीं है डर, ये मुल्ले मौलवियों के, आके उनकी दुकानें बंद होने वाली है। अच्छा, ये देखो अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम में ना फर्क है, क्या ये देखिए, अगर सही मायनों में कहीं मैं ऐसे मेरे मैं एक ऐसी स्टेट से आता हूँ जहाँ 70% मुस्लिम, और मेरे बड़े ऐसे दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं, और उनको जब हम सुनते हैं ना, जब इन ये सोएब जमाई राशिद ये जो इनको सुनते हैं ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है उनका इस्लाम का और इसका इस्लाम का, वो असल मायने में उसको फॉलो करते हैं, हिंदुओं के बीच में रहते हैं और अपना पूरा पालन करते हैं उसी हिसाब से, कोई जिहाद ये वो नहीं, वो इनको बोलेंगे ये कट्टरता दिखाते हैं अपनी, कट्टरता दिखाते हैं, वो कहते हैं मेरे लिए मेरा देश पहले है, उसके बाद है इस्लाम, और वो मुझे कहता है कि मेरी मिट्टी पहले है, उनमें भी है, मगर ये जब मुल्ला इस्लाम पढ़ाता है ना तो उनको रोक देता है कि भाई जनगण हाँ राष्ट्रगान चल रहा होगा तो तब नहीं उठना है, वंदे मातरम नहीं कहना है, भारत माता की जय, ये अंकुश क्यों लगा रहा है, ये वहाँ नहीं लगा, मोर भी लगा रहे हैं। और दूसरी बात, एक बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने कि भाई मेरे इस्लाम में तो ये है कि पड़ोसी जो भी है, अगर आप घर में खा रहे हो और आपके पड़ोसी अगर नहीं खा रहा है ना तो आपको हक नहीं है खाने का, आपको पहले अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखना है, वो पड़ोसी कोई भी हो सकता है, मगर क्या कर दिया है काफिर, ये फलाना इस तरह से परिभाषा ही खत्म, मतलब अलग कर दी है उस चीज़। सर मूवी हिट होगी? देखिए मूवी अच्छा कंटेंट होगा तो चलेगी,
देखिए एक उत्सुकता है, क्या नई स्टोरी है, आज एक नए तरह का ट्रेंड शुरू हुआ है। बाकी रहा प्रोपोगंडा मूवी क्या है वो हम देखकर डिसाइड करेंगे क्या है। हम ना प्रमोशन कर रहे हैं ना उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा कंटेंट होगा हम देखेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं पसंद करेंगे।